नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 10, शेयरिंग एंड केयरिंग इन द फैमिली। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड, फिट एंड फाइन। स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट एनवायरनमेंट। We are going to learn chapter number 10, sharing and caring in the family. So now student, हमने chapter number 10 है वो पूरा complete कर लिया, learn कर लिया, 3 videos देखे हमने, तो आपने क्या learn किया? Okay student, so I repeat the chapter, okay? We all love and care for one another. Our parents love, protect, take care of us, and they provide us basic needs. Okay, students. Father works and earn money for the family, and mother keep the house clean, cooks the food, and some mother also go to work and earn money. इसका क्या मतलब है? हाँ, कि मम्मा है वो हाउस क्लीन भी करती है, कुक भी, फूड है वो कुक भी करती है, और सम मदर ऑल्सो गो टू वर्क एंड अर्न मनी। ओके स्टूडेंट, सो मम्मा और पापा टेक केयर ऑफ अवर हाउस एंड अवर बेसिक नीड हमें प्रोवाइड करते हैं, लवली हाउस, गुड फूड, लवली क्लोथिस एंड लवली टॉयस, एंड सम मदर्स एंड फादर्स हेल्प अस विथ अवर स्टडी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑल फैमिली मेम्बर्स हेल्प वन अनदर। ओके स्टूडेंट, सो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 की आज हम लर्न करने वाले हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ स्टार्ट। Name three ways in which you help your family. Okay, student. So, आप family में कौन कौन सी help करते हो? आप family members की किसी ना किसी चीज पे help करते होगे ना? Okay, so everybody say answer yes या no. Your answer is yes, so very good. And your answer is no, so not good. But अब से start करनी है, किसी ना किसी चीज की help family members को करनी है. Okay, so name three ways. इसका मतलब यहाँ पे हमें three करने के लिए बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको three ही करनी है. Any five, आप five भी कर सकते हो, इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, but यहाँ पे आपको कितनी करनी है? One, टू एंड थ्री हेल्प, जो आप अपने फैमिली मेंबर्स को हेल्प करते हो यहाँ पे राइट डाउन करनी है. ओके, सो नंबर 1, वॉटर द गार्डन एवरी डे। वॉटर द गार्डन एवरी डे, तो वो इसका मतलब है आप गार्डन में हर रोज पानी देते हो. ओके राइट चिल्ड्रन, सो सेकेंड, हेल्प मदर इन द किचन। किचन में आप मम्मी की हेल्प करते हो. ओके स्टूडेंट, एंड देन नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ हर यंगर कजिन, तो आपकी यंगर कजिन है उसकी टेक केयर करते हो. ओके चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग सेंटेंस। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस बताऊंगी रीड करके, और आपको उसका आंसर देना है. ओके, इफ योर आंसर इज राइट, सो पुट राइट, एंड इफ योर आंसर इज नो, सो पुट क्रॉस. ओके, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. ओके स्टूडेंट, आई लव माय पेरेंट्स, आई लव माय पेरेंट्स. ओके, एवरीबडी से
आंसर यस या नो. ओके वेरी गुड, योर आंसर इज राइट. सो गुड राइट. ओके स्टूडेंट एंड देन आई डू नॉट शेयर माई टॉयज. आई डू नॉट शेयर माई टॉयज यानी मैं किसी के साथ अपना टॉय से वो शेयर नहीं करता हूँ. योर आंसर इज वेरी गुड नो. ओके स्टूडेंट सो गुड क्रॉस. ओके स्टूडेंट नाउ देन आई ओबे माई फादर. इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना. आपको पापा जो भी बोलते हैं वो आप फॉलो करते हो. ओके स्टूडेंट्स सो योर आंसर इज राइट या रॉन्ग. ओके योर आंसर इज राइट. सो गुड राइट. ओके स्टूडेंट आई हेल्प माई मदर विद द हाउस वर्क. हेल्प माई मदर विद द हाउस वर्क. ओके एवरीबडी योर आंसर इज राइट या रॉन्ग. ओके सो मदर्स को हेल्प करते हो ना. ओके सो योर आंसर इज राइट. सो गुड राइट. Now then I enjoy playing with my friend. आपके फ्रेंड के साथ खेलते हो ना, इंजॉय करते हो आप. ओके सो योर आंसर इज यस या नो. यस वेरी नाइस. सो गुड राइट. एंड देन आई फाइट विथ माई ब्रदर एंड सिस्टर. ब्रदर एंड सिस्टर के साथ फाइट करनी चाहिए? नो दिस इज नॉट गुड. ओके आपको तो गुड हैबिट फॉलो करनी है ना, आप तो गुड चिल्ड्रेन हो. ओके सो योर आंसर इज यस या नो. नो ओके गुड क्रॉस. एंड देन लास्ट I tell a lie. Tell a lies. झूठ बोलना. आप झूठ बोलते हो? नहीं. हमारे आदर स्कूल में हम क्या लर्न करते हैं? कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए. So your answer is right या wrong? Okay, your answer is wrong. No, आप झूठ कभी भी नहीं बोलते हो. So put wrong. Thank you for joining us.